ससुर का शंकर और सासू का गिरजा, इन दोनों की पूजा हम करीबे तीर्थ करे बाहर न जाइबे। घर ही मतीरथ बनाइबे तीर्थ करे बाहर न जाइबे। तो हमारा घर तब तीर्थ बनेगा जब हम अपने उस सासू माँ की सेवा करेंगी, उस ससुर के प्रति अच्छा भाव होगा, और जब उस सास का अपनी बहू के प्रति पुत्री जैसा भाव होगा। उस बहू के साथ आप अन्याय नहीं कर सकती हो, जिसने सब कुछ अपना समर्पण करके सारा कुछ त्याग करके और आपके पास आई है, उसे आप ठुकरा नहीं सकती हो, उसका अपमान नहीं कर सकती हो, क्योंकि उसने अपनी एक माँ को छोड़ा है, उसने उस अपने बाप का घर छोड़ करके आई है, उसने अपना उस आंगन को छोड़ा है जहां छोटी सी पड़ी बड़ी है, और जब तुम्हारे अधीन होकर के आई है तो उसका तुम अपमान करोगे। बधूलरी किनी पर घर आई, राखे वो पलक नयन की ना। जैसे पुतरिया होती है आंख की, और थोड़ी थोड़ी देर में उस पुतलिया में कोई चोट न लग जाए, कोई धूल रगदा न आ जाए, इसलिए बार बार वो पलके झपकती रहती है। ऐसे ही अपने उस पुत पर पुतोहु पर बार बार उसकी निगाह रखो, कहीं कहीं मेरी उस बेटी को कोई तकलीफ ना। और बिटिया आप भी अपनी माँ पिता को छोड़ करके आई हो तो यही आपके माँ है, यही पिता है। ऐसा समर्पण भाव से जब सास ससुर और विष्णु स्वरूप पति की सेवा करोगी तो घर में ही मंदिर हो जाएगा। घर में ही हर रोज उत्सव होगा, और फिर लक्ष्मी आप संभाल नहीं पाओगी, इतनी बरसेगी, इतना धनागमन होगा, इतना पैसा आएगा कि तुम संभाल ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां संपत्ति है वहीं पर नाना प्रकार की संपत्तियां है, रिद्धि सिद्धि वहीं पर है, लक्ष्मी जी वहीं जाती हैं जहां पर संपत्ति है, आपसी प्रेम है, आपसी सौहार्द।